अंत उन्नी भर भरीये अंत पाखो शरणाज सेवा करिए अंत महाराज नु पढ़िए जिंदगी भर कहते खुश रहती नहीं वो लोग ओ खुशी जड़ी उन्नी फरवरी नु सी महाराज जी कहते मजा ता सी स्वाद ता सी ओही खुशी तेरे अज भी चेहरे दे ते सार संगत जी ऐसे करके सतगुरु जी कहते ने भाई नरक ते स्वर्ग तो मैं ते मुक्त हो गया कहते कृपा करके सतगुर कै प्रसाद चरण कमल की मौज को महाराज जी कहते जितन का चरणा नाल जुड़िया मौजा लग गई महाराज जी कहते देखो कितना सोहना बचन लिख कितना सोहना बचन लिखा भी मैं ते वहम ही मुका लिया अपना नरक स्वर्ग का नरक स्वर्ग दे वहम तो मुक्त हो गया किदे करके सतगुरु जी की कृपा करके जिदन दी मैं सतगुरु जी के चरणा नाल जुड़िया मेरा नरक और स्वर्ग का वहम खत्म हो गया है और जिन्ना ने बचन पढ़े है नरक की सी प्यारे होने समझना दी महाराज जी कहते नरकों तो मुक्त होया मैं नरक की सी रविदास मदर वेसिया हिंसा चोरी कार ये सब खोटे कर्म है डोबे नरक माजार महाराज जी कहते ये नरक है इस बंदे के अंदर ये अवगुण ने वो नरकां च है गज के बोलो जय गुरुदेव गुरुदेव ऐसे करके सतगुरु कबीर साहब कहते ने महाराज जी कृपा करो थोड़ी कृपा करके बाबा जी आने वाले आ सारी संगत ने बैठे रहना उन्होंने भी बचन आप सरवण करने सार संगत जी थोड़े चर चो आ जाएंगे थोड़े लेट हो गए नहीं तो दो आप लगभग 11 बजे आप शुरू किए थे ढाई घंटे हो गए जैसे करके सतगुरु जी कहते ने भाई जिदन का सतगुरु जी के चरणा च लग्या उदन का कहते उदन का कहते जाबे मुक गया सारा सतगुरु जी के चरणा जिदन का लग्या जिदन की बाह फटी सतगुरु कबीर साहब भी लिख रहे हैं सरिया तो उन्हों का भी नहीं सतगुरु तो बिना उन्हों का भी नहीं सरिया उन्होंने भी लिखा नरक सुरग से मैं रहे सतगुर के परेशान महाराज जी कहते भी मेरा गुरु तो बिना सरिया नहीं साडा पता नहीं कितना सर गया साडा सरिया फिर ऐसे करके महाराज जी लिखते हैं दाता रखी चरना दे कोड़ जी चरना दी मौज बड़ी दाता रखी चरना दे कोड़ जी चरना दी मौज बड़ी चरना दी मौज बड़ी दाता रखी चरना दे कोड़ी चरना दी मौज बड़ी दाता रखी दाता रखी करना दे कोई
चरना दी मौज बड़ी 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 सतगुरु जी की कृपा नाल कहते नरकां ते स्वर्गां तो मुक्त हो गया होया कि प्यारे हो सतगुरु जी की कृपा न सतगुरु जी कृपा कदे ना करते कहते मैं इस वहमा च ही लगे रहना सी इस वहमा च ही फसे रहना सी ते प्यारे हो जे सतगुरु जी की कृपा साडे ते ना हुंदी ते असी भी प्यारे इन्हां वहमां च ही रहना सी। ऐसे करके महाराज जी ने कहा भी जिहड़े खोटे कर्म ने हिंसा मदर वेस्या हिंसा चोरी कार यह सब खोटे कर्म है डोबे नरक माजार। महाराज जी कहते ने तेनू डोब देणगे ये कर्म तेरे। नशा करता है ता डुबेगा, अहिंसा करता है ता डुबेगा, काम वासना का रोग लगे वेश वैश्या धंधे धार विच फसिया है ता डुबेगा। ये कर्म करेंगे रविदास मदर वेश्या हिंसा चोरी कार चोरी करता है ता डुबेगा। जे कि सतगुरु जी ने चरनी लगे महाराज जी कहते ने इन्हों कर्मा तो खोटे कर्मा तो बचिया जा सकता है। गज के बोलो जय गुरुदेव धन गुरुदेव। ऐसे करके साध संगत जी ऐसे करके सानू हमेशा सतगुरु जी के चरणा नाल जुड़ के रहना चाहिए। हुण चरणा नाल जुड़ना महाराज जी की कहते हैं सतगुरु जी के बचना च रहना सतगुरु जी के दसे हुए मार्ग से चलते रहना। पर रोला यह है प्यारे हो कि असी सतगुरु जी की अमृत बाणी ध्यान और कंसीट्रेशन सत संगत जी पढ़ते नहीं विचारते नहीं। जिदन यह गल्लां सत संगत जी गुरु साहब जी दीआं गल्लां साडे समझ आण लग पईआं ते सतगुरु जी कहिंदे उदन ही गल बन जांदी है। सो बाबा जी साडे विच पहुंचे है संभवा निर्मल दास जी ते इन्हां दा इत्थे पहुंचण दा जी आया नूं स्वागत है इन्हां दा जो संगत नूं दर्शन देण वास्ते पहुंचे इत्थे। सो बाबा जी नूं बेनती है बैठण दी कृपालता करो। सो बेनती कर रहे सी प्यारियो भी जिद्दण साडे बच्चिआं ने इह गल सोच लई भी आ खोटे कर्मां वल जिहड़े महाराज जी कहिंदे भी आ खोटे कर्म ने साडे बच्चे नूं भावें गल समझा दित्ती भी देखो गुरु साहब जी ने कहा यह माड़े कर्म नहीं करने आ जिहड़े खोटे कर्म जिहड़े पंज तरह दे रविदास मदर वेश्या हिंसा चोरी कार। महाराज जी कहिंदे भी इहो जी कार ना कर भी जिहड़े ये खोटे तैनूं कहिंदे गलत दिशा वल लैके जाण। अपना जिहड़ा ध्यान है ओ चंगी शिक्षा वल रख। जे महाराज वेखो जे सतगुरु जी ने सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने यह गल समझाई है तो वह किन्ने इन्हां चीजा तो किन्ने दूर होने
और सानू चाहिदा है भी जो दूर साडा प्यो इन्हां चीजां तो दूर है तो सानू भी चाहिए कि पुत्र भी उन्हें इन्हां चीजां तो दूर रहन। गज के बोलो जय गुरुदेव। धन गुरुदेव। धीआं भी उन्हें ने जिहड़ियां वह भी इन्हां चीजां तो दूर रहन। साध संगत जी ऐसे करके जो सतगुरु जी की बाणी है जो सही तरीके पकड़ा सही तरीके समझा रोला है एक पास समझ लेने भी चार बजे उठना पाठ करके घर को आ जाना कला कला एक शब्द पढ़ लो उन्हू विचारो भी कि शब्द महाराज जी ने क्यों वर्त्या क्यों गल पी कह की जरूरत पी क्यों ये गल कही सतगुरु जी ने यह गल क्यों कही कारण की रहा होना ऐसे करके प्यारियो जे असी सतगुरु जी के वचना समझा बहुत तरीके का ज्ञान महाराज जी ने अमृत बाणी के दर्ज किया है पर कहते नाम यह जी अमृत बाणी के शब्द आता नाम गुरु गुरु का बोएता तेरे आवै काम पर महाराज जी कहते ये तो ज्ञान का सागर सही अमृत बाणी महाराज जी कहते नाम गुर का बोएता होंगे जहाज नाम गुर का बोएता तेरे आवै काम ये ज्ञान का सागर सी पर अगला वचन महाराज जी ने की किया है करता चितना आवही भूल गया तू नाम हर का सिमरन छाड़ के खोटे करता काम जो तो कम भी खोटे हो गए तेरे कहो जा तेरा सिमरन रह गया ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਦੁੱਧ ਕਹੋਗੇ ਪਾਣੀ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਬਈ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਚਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਨੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਧੂਪ ਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸਾਈ ਉਹ ਵੀ ਲਾਜ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਧੂਪ ਬੱਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੋਧੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕਰੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆ ਪਾਣੀ ਪਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਬੋਲੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕਰੀ ਹੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਗੱਡੀ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਪਲਟੇ ਖਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨੀ ਖਤਾਨਾ ਚ ਵੜ ਗਈ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਰੋਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਆਏਗਾ ਜੀ ਤੂਫਾਨ ਆਏਗਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਦਣ ਅਸੀਂ ਗਏ ਇੱਥੇ ਭੂਰੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੌ ਗਿਆ ਉਹ ਸੌ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਫੁੱਟ ਪਾਤਰਨ ਲੱਗੀ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਸੌ ਤੇ ਸੀਗੀ ਫੁੱਟ ਪਾਤਰਨ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਂ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ ਗੱਡੀ ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰ ਨੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਕਤਾਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁੱਖ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਾਣੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤੇ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤੇ ਜਮ ਕਾ ਡਰ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੂਗਰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਪੀਲੀਆ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇਗਾ ਉਹ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰਸੇ ਇਲਾਕੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ ਬਾਈ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਈਏ ਬਸ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਚ ਮਰ ਜਾਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਕਾ ਟੂਕਾ ਲਾ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਭੇਜ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਮਰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਹੁਣ ਰੋਣਾ ਕਾਹਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੰਨਣੇ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 20 ਸਾਲ ਜੀਆ ਜੋਗਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ
कहते मरे तो है मरे तो पे हाँ क्यों चंगा काम कर लिए करता रहा सेवा सुवा कहते गुरु घर वग जाया करे उत्थे साडे आले बड़े तांस कुटी जांदे जदों पता लग गया भी मैं मर जाना हुण चलो चंगा कर्म कर ली लग्या सेवा करन गुरु साहब दी गुरु घर जाना सेवा कर ली माड़ा मोटा जो करना ना सी करिया लोगों नूं समझाया भी साल बंदा जीना जे डॉक्टर की कहते थे भी 15 दिन आ जाते मर जाए महाराज जी कहते सतगुर होए दयाल ते दुख ना जान सतगुर का बाह पकड़ बाह पकड़ी है ना सतगुरु जी का लड़ पकड़ रहे पक्का हो गया कदे ना सोच भी हां मेनू दुख है जाने कदे ना सोच भी दुख कोई चक्कर नहीं फिरदा रहने मुझे क्या असल में बंदा मरता जाता है जो इतने मरना इतने मरना आ जाता है भी हूं तो मरांगे कोई चारा नहीं बाबा साहब जी के किन्ने दुश्मन से प्यारे किन्ने दुश्मन से कि बाबा साहब सोच रहे थे भी मैं जे कि गरीब लोगों की आवाज चकती थी मैं मार देने मैनू तो मार देने गए मैनू छड़ना नहीं इन्हां ने ते ओ डर जाते कि अज इस देश की झोली संविधान पै जाता कदे पता सी बच्चे है भी छड़ने पैने छड़ने पैने गए जे मैं इन्होंने बच्चों का भला करना तो अपने बच्चों का त्याग भी करना इन्होंने बच्चों का भला करना है तो इन्हें अपने बच्चों का त्याग भी करना पड़ेगा वह अपने बच्चों का त्याग करके साडा भला कर गए असी इन्ने एहसान फैरोश एक तो हों एहसान मंद एक हों एहसान फैरोश इन्ने एहसान फरोश बन गए ना ही उन्होंने बच्चों की कुर्बानी सानू याद आई तो ना ही कदे वो याद आई चार बच्चे सी भी चले गए पर कहते किसी कोई नहीं फिर भी खुश हाँ जो तुम खुश हो तो मैं खुश हाँ हूँ एक बच्चा तो एक चलिया जाए कि दुख हों प्यारो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी वेख लो चार चले चार पुत्र चले अखा सामने फिर भी खुश हाँ क्योंकि उन्होंने दृढ़ निश्चय से वह पक्के जुड़े हुए से पहला बेनती गुरबाणी कहती भी बंदा आया ही जाने वास्ते है जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी ये वारी आनी आनी है ये वारी आनी है अज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों पर महाराज जी कहते ने जिन्होंने सतगुरु जी के वचना समझ लिया जान लिया वह नहीं फिर कहते हाए शुगर हो गई मैं मर गया वह नहीं कहते कहते कोई नहीं शुगर होगी तो फिर की है हो जाएगी ठीक ना होगी तो कम तो करना ही है इसे करके प्यारो गुरु साहब जी के वचन ने जेडे बंदे हुण नाम की है असल में गुरु रविदास महाराज का जेड़ा नाम है बंदे में ताकत पाता है और उन्होंने नाम की ताकत लैके भी बंदा ठला रह गया फिर समझो कि बंदा गुरु रविदास महाराज मनने वाला बंदा है वो ताकत पाते हैं।